हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, देखते देखते मई का महीना आ गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो मई का रीडिंग कर लिया जाए फॉर एवरीवन। सभी लोग वेट करते हैं कि कैसा रहने वाला है नेक्स्ट मंथ, क्या चेंजेस हो सकते हैं हमारे लाइफ में, पर्सनली, प्रोफेशनली, हेल्थ वाइज, क्या कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूरी हो सकती है इस मंथ पे। लोगों के ढेर सारे सवाल रहते हैं और उन सब का जवाब हम कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन द सेम वे चलिए आज की हम रीडिंग करने वाले हैं हर एक राशि के लिए, और ये मैं ऐसे ही करूँगी जैसे कि हमारे चार एलिमेंट्स हैं उसी हिसाब से मैं वीडियो को डिवाइड करने वाली हूँ। तो आज का ये जो सबसे पहला वीडियो जो रिलीज़ होने वाला है आज, तो इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे अर्थ एलिमेंट है यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है मई 2023। ऑलराइट, पांचवा महीना है ये, और ये महीना अपने साथ बहुत चेंजेस लेके आ रहा है। इट्स अ समर सीजन, बहुत सारे बदलाव होते हैं लोगों के लाइफ में, तो हम एक एक पार्ट को अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो विदाउट एनी डिले आज की ये जो रीडिंग है, हम ऑफकोर्स जो हमारे चार इंपॉर्टेंट फेज हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा पर्सनल लाइफ, हमारा प्रोफेशनल लाइफ, हमारा हेल्थ, प्लस हमारी कोई मैनिफेस्टेशन, ऑलराइट, एक ओवरऑल मैनिफेस्टेशन वो कैसे रहने वाली है ये हम देखेंगे। इसके अलावा फिर हम बाकी सारे कार्ड्स को देखेंगे, हम गाइडेंस भी देखेंगे और हम फिर एंजल आंसर्स भी देखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव लेकर आ रहा है। सो लाइक ऑलवेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेजर आर्काना कार्ड्स। हम चार क्वेश्चंस के लिए चार कार्ड्स निकालेंगे। ऑल राइट, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड देन आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग यू ऑल द थिंग्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कौन सा कार्ड आता है, विच मेजर आर्काना कार्ड कम्स फॉर योर पर्सनल लाइफ। ऑल राइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, Taurus, Virgo, Capricorn, all right. This one is for your personal life. It's a hanged man card. What about your professional life? How your May month is going to be for your professional life? Okay, we have the devil. All right. Let's see your health. Aapka health kaisa rahega? Let's see. In the month of May. Oh, we have the lovers. Okay. And what about your overall manifestation? If you have any sort of manifestation. Oh, we have a fool card. That's great. All right. Let's take the energy oracle as well. Yahan se bhi hum cards le lete hain. All right. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा पर्सनल लाइफ, विल सी। वी हैव द टेंपल पाथ, फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव इनडिसिजन, फॉर योर हेल्थ we have patience, and this is for your manifestation, which is the contract card. All right, yahan bottom se aapke liye happy family sounds great. Hum tarot se dekh lete hain. I'm going to use my small cute tarot deck. Let's see. All right, one card flipped, it's High Priestess. Okay. We have Queen of Cups. All right. High Priestess with Queen of Cups. Okay.
For your professional life, we have 8 of cups. All right. With 8 of cups, what we have? We have the moon. All right. What about your health? We have 3 of cups. Along with 8 of swords. Okay. For your manifestation, we have 6 of cups. And we have 3 of wands. All right. And from the bottom of the deck, we have King of Pentacles. It's the energy of Taurus, Virgo, Capricorn. All right. तो पहले हम इन कार्ड से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल सी व्हाट आर द अदर मैसेजेस फॉर यू. सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पर्सनल लाइफ की. अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ की बात करूं, वृषभ कन्या मकर राशि मई के महीने की, तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से कुछ ऐसी चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके रीच से बाहर है, या फिर कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, बट आप उसकी मैनिफेस्टेशन करें. हो सकता है पास्ट में आपके पर्सनल लाइफ में ऐसा हुआ हो कि आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हो, रिलेशनशिप टूटा हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में बार 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 आप जा रहे हो, सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हो, इसलिए हो सकता है आपने मैनिफेस्ट ही ऐसा किया है कि मुझे लाइफ में रिलेशनशिप नहीं चाहिए. बट यूनिवर्स ऑलवेज प्लान समथिंग बेटर फॉर अस. यूनिवर्स, जब हमारी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन होती है और जब हमें लगता है वो पूरी नहीं हो रही ना, वी यूज टू स्टार्ट कर्स यूनिवर्स, वी यूज टू स्टार्ट कर्स पीपल. हम लोगों के ऊपर दोष देना शुरू कर देते हैं, लोगों को बोलने लगते हैं या भगवान को कोसने लगते हैं कि मेरे साथ तो वो नहीं हो रहा है जो मैं चाह रहा हूँ. तो वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में ना आपने अपने हर्ट चक्रा को ब्लॉक करके रखा है. ऑल राइट, आपका हर्ट चक्रा जो है कहीं ना कहीं ब्लॉक है, और वो सिर्फ मैं मई की बात नहीं कर रही, ये हार्ट चक्रा प्रेजेंट में भी ब्लॉक है. यानी कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं अप्रैल में, ये हार्ट चक्रा आपका बहुत लंबे समय से ब्लॉक है, और इस हार्ट चक्रा के ब्लॉक होने के कारण ना आपके जो पर्सनल लाइफ है वो सामने वाले को तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगर मैं उसे बहुत क्लोज नज़र से देखूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ, वेल्थ, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जो आप अभी फ़िलहाल समझ नहीं पा रहे. मई के महीने में जो आपको बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में एक गाइडेंस की ज़रूरत है. यू नीड गाइडेंस. ये गाइडेंस ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी पे बिलीव ना हो, चाहे वो कोई एस्ट्रो हो, टैरो हो, या एनीथिंग, आप जिस पर भी बिलीव करते हैं, चाहे आप भगवान पे बिलीव करते हैं, किसी एक शक्ति पर बिलीव करते हैं, एनर्जीज पर बिलीव करते हैं, स्टिक ऑन टू दैट. आपके लिए सबसे पहला एडवाइस ये है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फॉर योर पर्सनल लाइफ, कि आप सबसे पहले अपनी एनर्जी को एक जगह करें, एकत्रित करें, अपने हर चाक्रा को ओपन करें, और जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आना चाहती हैं उसे आने दें, क्योंकि आप अननोइंगली चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं, और जब आप चीज़ों को ब्लॉक करते हैं ना, वो आपकी अदर चीज़ों पर भी इफेक्ट डालती है. हो सकता है अभी आपको पता नहीं चल रहा हो, अभी आप समझ नहीं पा रहे करंट सिचुएशन में, बट जैसे जैसे वक्त बीतेगा ना, आपको समझ में आएगा कि आपकी एक गलती के वजह से क्या सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस हो रही हैं. तो आपके लिए सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ के लिए यही एडवाइस है कि या तो आप किसी ऐसे पर्सन से कंसल्ट करें, या फिर ऐसे पर्सन से बात करें जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि आपने अपने पर्सनल लाइफ में ना ऐसे एक बैरिकेड बना कर रखा है कि यहाँ पे कोई एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं किसी को एंट्री देता हूँ वो पर्सन कहीं ना कहीं मुझे धोखा देता है. इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है ना, क्योंकि जब भी आप किसी को मैनिफेस्ट किए हो अपने पास्ट में, या फिर कभी भी जब भी आपने मैनिफेस्ट किया है ना किसी पर्सन को या लव को, आपने हमेशा ना ऐसी चॉइसेस रखी हैं कि मुझे ना ऐसा ही पर्सन चाहिए, या फिर या तो आपने किसी की खूबसूरती को देखकर मैनिफेस्ट किया है, या तो आपने किसी के वेल्थ को देखकर मैनिफेस्ट किया है, या किसी से आप अट्रैक्ट होकर आप मैनिफेस्ट किए हैं. आपने कभी यूनिवर्स को अपनी पर्सनल लाइफ में ये नहीं मांगा कि यूनिवर्स गिव मी समथिंग विच आई एक्चुअली डिजर्व. मुझे कोई प्यार करने वाला चाहिए, उसका कोई रंग रूप, उसका कोई
फिजिकल फीचर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो दैट पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक, बस मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझ करे, जिसके साथ मैं वही एनर्जी शेयर कर पाऊँ, वही टेम्परामेंट शेयर कर पाऊँ जो मेरे अंदर भी है। जिस दिन आप ऐसी चीज़ें यूनिवर्स से मांगोगे ना, विदाउट एनी यू नो स्पेसिफिक डिटेल्स, उस दिन यूनिवर्स आपको वही ब्लेसिंग करेगी जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो। इसलिए आपके लाइफ में बहुत सारे, मैं तो देख सकती हूँ आपके लाइफ में हो सकता है मोर देन 7 to 8 रिलेशनशिप्स रहे हैं, इंक्लूडिंग मैरिज, आपका बहुत ख़राब गया है। तो कहीं ना कहीं मई महीने में जो है यूनिवर्स आपको कह रही है कि सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू यूनिवर्स, कंसल्ट सम पर्सन, अपने हर्ट चाक्रा को ओपन करें। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने हर्ट चक्र को ओपन करते हैं, आपके लाइफ में जो है एक स्टेबिलिटी आएगी। वही मैं अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, बहुत टफ रहने वाला है। हो सकता है कि आपको कोई मेजर डिसीजंस लेने का टाइम आ गया हो मई के महीने में। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने मदर के साथ, हो सकता है आपके कुछ इश्यूज चल रहे हो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, या ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं आपको बाहर जाना है पढ़ाई करने, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं जॉब के लिए अगर आपको बाहर जाना है कहीं काम करने के लिए, इसको लेकर मतभेद तो हो रहे हैं बहुत। आपकी मदर हो सकती है स्पेशली, या मदरली फिगर के कई लोग हो सकते हैं जो आपको एडवाइस करते हैं या जिनकी बात आप मानते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टेकल डाल रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा ही जो होने वाला है फ्यूचर में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू कि आपको अगर बाहर जाना है या फिर आप कुछ ऐसा डिसीजन लेने का सोच रहे, बाहर मतलब कुछ लोग के लिए हो सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, कुछ लोग के लिए हो सकता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करना, फॉर अ जॉब, फॉर अ स्टडीज़, फॉर अ चेंजिंग ऑफ लाइफ स्टाइल। वो आपको लग रहा है प्रेजेंट एनर्जी में कि बहुत फ्रूटफुल होगा, मुझे घर से ऑब्लिगेशंस क्यों मिल रहे हैं, मुझे मेरी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा है, तो इसको लेकर बहुत सारे मतभेद रहेंगे। आप ज़िद बहुत कर रहे हैं, और पता है जब हम ज़िद करते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कि जब हम ज़िद करते हैं ना बहुत ज़्यादा, और ज़िद जब मैनिफेस्टेशन में बदलती है, तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यस मैंने इस चीज़ की ज़िद की और यूनिवर्स ने मुझे दे दी। पर जैसे ही थोड़ा सा और टाइम बीतता है ना, वी स्टार्टेड रिग्रेटिंग इट। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगी कि आपका जो अभी मई का महीना है, इट विल बी वेरी 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 कामिक, यानी कि आपका हर तरफ से टेस्ट लिया जाएगा। इट्स गोइंग टू बी टेस्टेड ऑन योर एवरी फेज, चाहे आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने काम को लेकर, या फिर आपके बॉस हो सकते हैं, या आपका जॉब लाइफ हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ड्यूअलिटी में चलेगा, यानी कि आप एक तरफा कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। घर पर भी हो सकता है आपकी मदर की हेल्थ को इफ़ेक्ट हो आपके किसी मेजर डिसीजन को लेते हुए, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ हर हेल्थ एज वेल एज योर्स। ऑल राइट, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ, पर्सनल हेल्थ की बात करूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही है ना, इस वजह से अगर मैं अदर साइड ऑफ द लाइफ देखूँ कि तो आपका फूड कंजम्पशन, आप जो भी कंज्यूम करते हो, आपकी जो भी आदतें हैं, दैट इज़ ओके, बट कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को भी आप निग्लेक्ट करोगे। आपको पेशेंस की ज़रूरत है, यू नीड टू हैव सम पेशेंस इन लाइफ। ऐसा लग रहा है ना कि आप में से जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने भी ये वाली रीडिंग को देखना शुरू किया है, आप में से कई लोग ऐसे जो बहुत इम्पेशेंट है, जिनके लिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, जिनके लिए फेलियर आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर आपको कोई बोल दे कि आप फेल कर गए हो, या फिर आप इस चीज़ के लिए, आप इस चीज़ को कर नहीं सकते, उसको आप एज अ चैलेंज ले लेते हो, एंड दैट बिकम अ प्रॉब्लम। ऑल राइट, तो आपने कुछ ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रखी है अपने लाइफ में, और वो भी अपने हर्ट चाक्रा को ब्लॉक करके, जिस वजह से ना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं हो रहा है। आपको मिलेगा ज़रूर, लेट मी टेल यू, ये आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, यहाँ पे 12-12 की एनर्जी है, यानी कि जो भी आप मैनिफेस्ट करें, हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, उनका बर्थ डेट 12 हो, 21 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 15 हो सकता है, तो ये सारे आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। काफ़ी स्टबर्न एनर्जी है, तो यूनिवर्स आपको देगी, बट उसका जो कंपेंसेशन होगा ना, वो आपको बाद में पता चलेगा। सो इट्स अ आई कैन से इट्स अ वार्निंग मंथ फॉर यू कि अभी भी चीज़ों को संभालने का टाइम है, संभाल लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ये तो मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होगा, क्योंकि फूल के साथ यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं। ये बिल्कुल श्योर शॉट एनर्जी है, 90% लोगों के लिए ऐसा है कि आप
बाहर जाना चाहते हैं। अब जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आपको बाहर जाना है, आपको कुछ ऐसा करना है जो आपने पहले नहीं किया, और आपको ऐसा लग रहा है ये करने से मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सो लेट मी क्लियर इट आउट कि ऐसा नहीं है, ठीक है, होगा ज़रूर, बट इन रियलिटी इसका जो है एडवर्स इफेक्ट आपके लाइफ में पड़ेगा। आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी, बट उसके लिए आपको बहुत कुछ हो सकता है गंवाना पड़े। सो बी मंथ फॉर यू टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन इज़ अ बिट वार्निंग मंथ फॉर यू, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने डिसीजन को लेने से पहले बार बार सोच लें कि आप क्या कर रहे हो और वो आपके लिए सही है या नहीं है। ऑल्दो मैं अगर देखूँ ये रीडिंग, मुझे पता है काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो भी आया है इट्स अ वेरी ट्रू रियलिटी आया है, और लोगों को ऐसी कड़वी चीज़ें सुनना पसंद नहीं होता है। उन्हें लगता है कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ एंड ऑल। मैंने बोला भी, आप में से कई लोग जो रीडिंग देख रहे हो वेरी स्टबर्न, इम्पेशेंट एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा है, बट मेरा काम है सच बोलना, मैं सच बोलूँगी आपको। और सच्चाई यही है कि आपकी एक चीज़ की वजह से आपकी बाकी सारी चीज़ें ना इम्पैक्ट कर रही है। डिसीजन मेकिंग टाइम है आपके लिए, हो सकता है आपके लाइफ में दो चॉइसेस आए अभी इन द मंथ ऑफ मे कि आपको चूज़ करना पड़े कि आपको या तो फैमिली देखना है या अपना करियर देखना है, या फिर इट डज़न मीन करियर देखना है और फैमिली देखना है, इट डज़न मीन कि आपको अपना करियर छोड़ना पड़े, नहीं। हो सकता है करियर की कुछ ऐसे स्पेसिफिक चॉइसेस हैं जो आप करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि मेक द बेटर चॉइस, टेक समवनस एडवाइस, टेक समवनस हेल्प, एंड उससे कुछ बुरा नहीं होता है। ऑलराइट, लेट्स सी, हीलिंग की एनर्जी आई है आपके लिए। ऑलराइट, फॉर योर पर्सनल लाइफ ऑफकोर्स, जो मैं अभी आपको बोल रही थी, यू नीड हीलिंग। आपको लग रहा है कि आप अगर किसी से बात करेंगे, आप अगर किसी को कंसल्ट करेंगे, आप अगर किसी से ट्रू एडवाइस लेंगे, शायद वो आपके पीछे पड़ जाए या वो आपको कुछ ऐसा बोल दे जो आपको पसंद नहीं है। कभी कभी रियलिटी सुनने की ज़रूरत होती है, वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑलराइट, फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द ड्रीम। यस, मैंने आपको बोला भी कि आपके कुछ सपने हैं, एंड यूनिवर्स ने प्रूफ भी कर दिया, मैं यूनिवर्स के कार्ड्स निकाल रही थी कि यस, आपके सपने हैं जो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पूरी करना चाहते हो, जिसको लेकर ऑब्लिगेशंस चल रही है आपके लाइफ में। अभी आपकी फैमिली में भी ऑब्जेक्ट कर रही हो, बट आप उस चीज़ को लेकर अपने ज़िद पर अड़े हुए हैं। हो सकता है आप पेरेंट्स के कॉल को इग्नोर कर रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे, या फिर कुछ ऐसा तो है जो आप करना चाहते हो, ज़िद सी बनी हुई है आपकी। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है ना कि थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा किसी से कंसल्ट कर ले, गेट द बेटर वे आउट ऑफ इट। ऑलराइट, आपके हेल्थ के लिए आया है स्किज़ोफ्रेनिया, ऑल राइट, ड्यूअलिटी, और यहाँ पे आपके लिए आया है रिपनेस का कार्ड। ऑल राइट, यहाँ से है इंट्रीगेशन का कार्ड। ऑल राइट, तो यहाँ पे कार्ड्स आपको यही कहना चाहते हैं फ्रेंड्स, ओवरऑल एनर्जी जो है आपके लिए मे मंथ की यही है ना कि ये जो मैंने आपको बोला कि आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ मे, वरना आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे बहुत इम्पेशेंट एनर्जी में रहेंगे आप इन द मंथ ऑफ मे। अगर आप किसी का सजेशन लेते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या दो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव द क्रिएशन कार्ड, इट सेज बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। ऑलराइट, तो क्रिएशन, आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, नया करना चाहते हैं, बट उसके लिए जो है अपने सोल को भी ओपन करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, अपने सोल की भी बात सुनने की ज़रूरत है। Let's see what's the other card for you. It's a meditation card. Take a moment to connect to the source through quite reflective meditation. Meditation के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप meditate करते हैं, किसी से consult करते हैं, अगर आप किसी से guidance लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा fruitful रहेगा। मैं थोड़े से और tarot card से देखना चाहूँगी कि अगर आप एडवाइस लेते हैं किसी से अपने लाइफ को लेकर, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपके लिए ये मई का मंथ। इट्स लाइक आपकी ज़िद है, आपको वो करना ही है, आप बस उस ज़िद पे अड़े हुए हो, और चीज़ें बस आपकी फेवर के लिए। थ्री ऑफ वॉन्स फिर से आया है, आपकी ज़िद आ रही है यहाँ पे। यू आर ऑन टू समथिंग। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, आपको अभी लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बिकॉज आपको ये लग रहा है, इट्स जस्ट योर एजम्पशन। यस,
ये देखिए आपको पावर पोजीशन चेंज, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत हो गया, मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना है, और मैं बाहर निकल के आई विल डू समथिंग विच विल बी आउट ऑफ द बॉक्स, और सब कुछ अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ अच्छा सोचना अच्छी बात नहीं है, बट कभी कभी कुछ डिसीजन हम ऐसे ही ले लेते हैं ना अपनी लाइफ में, जो आगे जाकर हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। एंड अगेन यू कैन सी द डेविल कार्ड इज हियर, यहाँ पे भी मेजर अरकाना से डेविल आया था, हर्मिट आया है आपके लिए। तो यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाहती है कि कभी कभी ना हमें कुछ चीज़ों के लिए ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ना इसीलिए हमें ऑप्शन यूनिवर्स देती है, जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ। तो अभी जो आपका समय चल रहा है, स्पेशली द मंथ ऑफ मे, इट्स वेरी टफ, थोड़ा गाइडेंस ले किसी से, थोड़ा किसी की हेल्प ले और सही दिशा में आगे बढ़े। आप जिस चीज़ से भाग रहे हैं अंत में आपको वही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्यार से भाग रहे हैं, आपको अंत में प्यार ही मिलेगा, और वो प्यार ही होगा जो आपको आपकी उस डेस्टिनेशन तक ले जाएगा जहाँ पे आप अभी जिद करके जाना चाहते हैं। ऑलराइट, तो आपके लिए मे मंथ का सजेशन ही ये है कि जो आपको यूनिवर्स पहले करने बोल रही है वो आप नहीं कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो फ्यूचर की एनर्जी है। तो पहले जहाँ फोकस करना है वो आप नहीं देख रहे हैं, सो लुक इन टू दैट। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अब आपको इस चीज़ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है जो आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है। ऑलराइट, अगर आप गाइडेंस को मानते हैं तो ज़रूर इस बात को सुने। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यस मैंने बोला आपकी एनर्जी बिल्कुल भी यू नो इम्पेशेंट वाली है, आपको पेशेंट रखने के लिए भी बोला जा रहा है बट आप बहुत इम्पेशेंट हैं। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, यस मैंने बोला भी आपको कि आपकी ज़िद है जो आप बार बार यू नो सोच रहे हैं चीज़ों को कि मुझे करना है करना है, आपको मिलेगा सॉल्यूशन, बट आगे जाकर इसका आउटकम जो है आपके फेवर में नहीं होगा। लेट मी टेल यू, इमोशंस आर रनिंग है, आपने अपनी इमोशंस को लगा कर रखा है इसमें। लेट सी एंजल्स क्या कहते हैं, अगर आपका कोई सवाल है। ओके विल शफल अगेन, अगर आपका कोई सवाल है यू कैन आस्क द एंजल, और देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहती है। ऑलराइट, दिस कार्ड इज कमिंग, Choose a new direction. My God, universe proves my reading. Thank you, universe. मैं आपको बोल रही हूँ, indecision का कार्ड आया था। If you can, you know, go backward to the reading, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे रीडिंग के, आपके लिए कार्ड आया था indecision का। मैंने बोला भी था आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वो अभी सही डिसीजन नहीं है आपके लाइफ का, आपको अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदलनी है। तो यूनिवर्स भी यही कह रही है कि जो आप सोच रहे हैं वो भी गलत है, अभी आपको सही डायरेक्शन भी देखने की ज़रूरत है। बिग हैप्पी चेंजेस उसके बाद ही आएंगे, ऑलराइट, अगर आप अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उसके लिए इट्स नॉट द राइट टाइम, ये अभी सही समय नहीं है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने का, उस चीज़ को मांगने का। अगर आप करते हैं यू विल बी इन अ ट्रबल, एंड नो ये रीडिंग आपको अच्छी नहीं लगेगी बट जो है रियलिटी मैं आपको कह रही हूँ। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग, होप कि आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।